हेलो फ्रेंड्स, स्वादिष्ट व्यंजन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बैंगन के पकौड़े बनाना बताती हूँ। फ्रेंड्स, आजकल बारिश का सीज़न है और बारिश में पकौड़े खाने का आनंद ही कुछ और होता है। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को देखकर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं इसके लिए आपको सामान बताती हूँ। आप एक बैंगन ले लीजिए ऐसा, और इसके स्लाइसेस करने हैं, और स्लाइसेस करके फिर इसके पकौड़े बनाने हैं। मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, ये बैंगन के स्लाइसेस मैंने कर लिए हैं ऐसे, आप देखिए पतले पतले ऐसे काटिएगा, ऐसे स्लाइसेस कर लीजिए पकौड़ी बनाने के लिए। इसको काट के फिर ऐसे पानी में डाल दीजिएगा, ये तो ये कलर चेंज करने लगते हैं। इसके बाद हम बेसन तैयार करते हैं। ये मैंने बेसन लिया है, बेसन में आप थोड़ी सी हींग डालिए, थोड़ी सी हींग डालिए इसमें, और इसमें नमक डालिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालिए, थोड़ा सा बिल्कुल, और थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला इसमें, ज़रा सा गरम मसाला, और इसमें पानी डालिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल तैयार करेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल के पानी को थोड़ी सी लाल मिर्ची भी आप डालिए, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डालना है आपको, थोड़ा सा, जितना तीखा रखना हो आपको। और इसको अच्छे से, इसको खूब ऐसे फेंट लीजिए बेसन को, जैसे कढ़ी बनाने के लिए आप बेसन को फेंटते हैं, जैसे पकौड़ी के लिए बेसन को अच्छे से फेंट लीजिए। फ्रेंड्स, ये बेसन आपका रेडी हो गया है, इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको आप थोड़ा सा ऐसे पानी में डालेंगे बेसन को, ये देखिए ये ऊपर आ जाता है, ये ऊपर आ गया बेसन, पूरा तैर रहा है। अब ये रेडी है पकौड़ी बनने के लिए। अब हम इसको बैगन को लेकर के इसमें पकौड़ी बनाएंगे। अब इसमें थोड़ी सी आप हरी मिर्च भी डाल दीजिए, इसमें पीसेस डाल दीजिए हरी मिर्च के, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पकौड़ी में, बहुत टेस्टी हो जाती है ये। मैंने कढ़ाई रख दी है, अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आप खाते हो, हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है। बेसन की चीज़ें मस्टर्ड ऑयल में बहुत टेस्टी होती हैं। इसको गर्म होने देंगे। ये बैगन मैंने पानी निकाल दिया है और इनको वॉश कर लिया है बैगन को। अब इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। इसको ऐसे इसमें कोट करिए बेसन में अच्छे से, इसकी कोटिंग कर करके। तेल हम चेक कर लेते हैं, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसको इसमें कोट करके आप इसमें से डालिए। तेल खूब गर्म होना चाहिए। इसके बाद इसमें पकौड़े डाल देने के बाद उसको मीडियम पे कर दीजिए, आप फ्लेम को मीडियम पे कर दीजिए, जिससे अच्छे से पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। इनको मीडियम फ्लेम पे कर लिए। अब इनको हम पलट देंगे साइड में।
इसको पलट दीजिए, साइड में से पक लीजिए। पकौड़े आपके बन गए, अब इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा, इसको थोड़ा। फ्रेंड्स, अब हम चटनी बनाएंगे पकौड़ों के साथ खाने के लिए। ये पुदीना है, ये टमाटर, ये लहसुन है और एक छोटा सा अदरक है। छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेंगे और हरी मिर्च, जितना आप तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप लीजिएगा। इसको हम मिक्सर में डाल के, इसको ग्राइंडर में डाल के चटनी बनाएंगे। इसके पकौड़े के साथ ये पुदीने की चटनी बहुत टेस्टी लगती है, आप इसको बना के देखिएगा। इसमें थोड़ा सा आप काला नमक डालिए, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा वाइट वाला, दोनों मिक्स करके डालिएगा। ये आपके बैंगन के पकौड़े रेडी हैं और पुदीने की चटनी। फ्रेंड्स, इसको बनाइए, खाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा, उसको प्रेस कीजिए। उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।